विवाह हुआ। हेलो हेलो। और विवाह हो जाने के बाद कछु दिन बीत जाते हैं, पार्वती मैया मायके चली गई और मायके में उनकी सहेलियों ने पूछा, बोले पार्वती बताओ कैसे है तुम और सासरो? बोले बहुत बढ़िया। बोले कितने सदस्य हैं? बोले कोई नहीं है, अकेले एक ही है भोलेनाथ। बोले महल अटारी कैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो सखियों ने कहा कि और भी भगवान आते, तुमने भोलेनाथ से ही विवाह क्यों किया और भोलेनाथ से विवाह करने में तुम्हें कौन कौन से फायदे हैं? तो पार्वती बोली सुनो आप नहीं जानती, भोलेनाथ से विवाह करने में मुझे कितने फायदे हैं, कितने लाभ हैं। बोले कौन कौन से? सखियां कहने लगी, अरे गोरा साची बताओ, ए बिल्कुल ना शर्माओ, काय बम भोला से करवा लो बाओ, गोरा साची बताओ, बिल्कुल ना शर्माओ, काय बम भोला से करवा लो बाओ। बताओ बिल्कुल ना छुपाओ, काय भोला से करवा लो कहने लगी सुनो, जब से मेरा भोलेनाथ से ब्याह भाव है ना, अरे बिजली की सब सुविधा मोखा भाई बेन। बोले बिजली की बहुत सुविधा है। बोले क्यों? बोले भोलेनाथ के माथे पे दिन रात चंद्रमा जलता है, ना कभी जलाने की जरूरत है, ना कभी बुझाने की जरूरत है, ना कोई बिल बिल की चिंता है। दिन रात भोलेनाथ के माथे पे चंद्रमा जलता है, बिजली की सब सुविधा मोखा भाई बेल, भोले के माथे पे लगी टावर लेन, चाहे जितनी जलाओ, चाहे जितनी जलाओ, भले कूलर चलाओ, कभू बिल तक ना आओ, इस बम भोला से करवा लो बियाह। सुविधा है, जिस दिन से भोलेनाथ से विवाह भाव है हमाओ, उस दिन से ना तो पानी भरवे के लाने कुआ पे जाने परे, ना हेडपंप पे जाने परे। बोले क्यों? भोलेनाथ के सर पे दिन रात गंगा जी बहती है, दिन रात पानी की सब सुविधा मोखा भाई में, भोले के सर पे लगी पाइप लेन, चाहे जितनो बगराओ, चाहे जितनो बगराओ, खूब सपरो सपराओ, इस बम भोला से करवा लो ब्याह।